दोस्तों, जब जब पढ़ने सुनने में आता है कि इंसान पहले बंदर था या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और फिर धीरे धीरे उसने खुद से सब कुछ सीख लिया और आज इतना बड़ा वैज्ञानिक युग भी ले आया, तब सिवाय आश्चर्य के और कुछ नहीं होता। खासकर ये देखकर कि आज किसी भी बंदर को इंसान बनाने की कोशिश में खुद इंसान ही मदारी बन जाता है, लेकिन बंदर में नाम मात्र का भी बदलाव नहीं आता। मनुष्य के विकास क्रम की इस वैज्ञानिक थ्योरी को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हमेशा से रहे हैं, जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। लेकिन अपने सवालों का जिक्र करने से पहले मैं चार्ल्स डार्विन। दोस्तों, ह्यूमन इवोल्यूशन से जुड़ी सभी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।